दोस्तों यू तो कलर्स टीवी पर कई सीरियल्स आए और गए, लेकिन सीरियल बालिका वधू की तो बात ही कुछ और ही थी, जिसमें काम करके मशहूर होने वाली सभी कलाकारों ने अपनी लाजवाब एक्टिंग और डिफरेंट कैरेक्टर से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया था। जहां ये अपने किरदारों के साथ काफी बड़े बड़े कोठियों में रहकर आलिशान घरों के सदस्य के रूप में भी दिखाई दिए थे, और इनके आलिशान कोठियों में रहता देखकर दर्शक इन्हें सच में रईस समझने लगते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि बालिका वधू सीरियल में बड़े बड़े घरों में एक्टिंग करने वाले प्रसिद्ध कलाकारों के पास भी आज बहुत बड़ा खूबसूरत और आलिशान घर है, जिसमें ये अपनी फैमिली के साथ अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं, जहाँ इनके महंगे घर में दुनिया भर की सारी फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको बालिका वधू शो के कुछ फेमस कलाकारों से रूबरू करवाने वाले हैं, जिनके पास असल जिंदगी में इतने महंगे और बड़े घर हैं, जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। साथ ही इनके घरों की कीमत के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इन सितारों के लग्जूरियस हाउस को। नंबर वन, स्मिता बंसल। बालिका वधू सीरियल में जगिया की मां के अहम किरदार में दिखाई दी थी अभिनेत्री स्मिता बंसल। इस सीरियल में बहुत बड़े घर की मालकिन थी, लेकिन असल जिंदगी में आज लोनावला के 2 BHK फ्लैट में रहती हैं, जो अंदर से काफी बड़ा और हवादार है। इनके घर की दीवारें पूरी तरह से गोल्डन एंड लाइट ब्राउन पेंटेड है, जिससे इनका घर काफी खूबसूरत दिखता है। वहीं इनके घर में सोफे से लेकर ड्रेसिंग टेबल और डाइनिंग टेबल काफी बेहतर ग्लास और फर्नीचर से लैस है, जिससे इनके घर की खूबसूरती दुगनी हो जाती है। वहीं इनके घर के बाहर एक बहुत बड़ा सा बगीचा है, जिसमें दुनिया भर के खूबसूरत पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और इनके इतने प्यारे और बड़े घर की कीमत पूरे 3 करोड़ रुपए है। नंबर 3, अनुपम सोनी। बालिका वधू सीरियल में अनुपम सोनी जगिया के पिता भैरव सिंह के किरदार में दिखे थे, लेकिन अगर बात करें इनके आलिशान घर के बारे में तो उसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। जी हाँ, इनका 250 गज का एक बड़ा सा घर लोनावला में है, जिसमें इंपोर्टेड पर्दे फर्नीचर मटेरियल लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इनकी घर की शोभा बढ़ जाती है। हालांकि इन्होंने अपने घर को एक्सपेंसिव पेंटिंग्स और एंटिक पीस से तैयार किया हुआ है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है। साथ ही इनका बेडरूम इतना आलिशान और खूबसूरत है कि वो किसी स्वर्ग से कम नहीं दिखता, जिसमें ये अपने पत्नी और बच्चे के साथ सुकून भरी जिंदगी जीते हैं। नंबर 3, सिद्धार्थ शुक्ला। बालिका वधू में कलेक्टर साहब यानी कि शिवराज शिव शंकर के रिस्पॉन्सिबल रोल में नजर आए सिद्धार्थ शुक्ला। आज मुंबई के अंधेरी में 1 BHK फ्लैट में सुकून से अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जहां इनका बड़ा सा घर पूरे 2.5 करोड़ रुपए का है, जहां इनके घर का फर्श क्रीम कलर और ब्राउन स्ट्रीप से बना हुआ है। इसी के साथ इनके घर में बड़े बड़े खूबसूरत लैंप है, जो इनके घर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। वही इन्होंने अपने घर में छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई है, जिसे बनाने का खर्चा 13 लाख रुपए आया था। इनके घर के सोफे काफी कलरफुल है, जिससे इनका घर काफी खूबसूरत और प्रिटी दिखता है। नंबर 4, अविका गौर। छोटी आनंदी के प्यारे से किरदार में दिखाई दी अभिनेत्री अविका गौर आज मुंबई के एक आलिशान घर में रहती हैं, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। इनका घर इतना मॉडर्न डिजाइन का बना हुआ है, जिसे बनाने के लिए इन्होंने मुंबई के बेस्ट इंजीनियर और आर्किटेक्ट को हायर किया था। वहीं इनके घर के दोनों साइड खूबसूरत बालकनी है, जिसमें प्यारे प्यारे प्लांट लगाए गए हैं। वहीं इनके घर के अंदर खूब सारा स्पेस है, जिसमें लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, हॉल, किचन, बेडरूम इतना खूबसूरत है कि कोई भी इनके घर में एंट्री करने के बाद बाहर आने की कोशिश ही नहीं करेगा। नंबर 5, अविनाश मुखर्जी। सीरियल में जगिया का मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता अविनाश मुखर्जी मुंबई के एक नॉर्मल से फ्लैट में रहते हैं, जिसकी कीमत 1 करोड़ है। हालांकि इनके घर के अंदर सारी चीजें बहुत ही सिंपल है, जैसे कि इनके घर की दीवारें सफेद हैं, लेकिन इनके घर पर काफी एंटीक चीजें रखी गई हैं, जिसमें पेंटिंग खूबसूरत नक्काशी है, और इनकी कीमत 50,000 रुपए के आसपास है। वह इनके घर में खूबसूरत रंग
बिरंगे पर्दे हैं जो इनके घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। वहीं इनके घर की छत पर बहुत बड़े बड़े चमकदार झूमर हैं, जिसे इन्होंने लाख रुपए में लंदन से खरीदा था। वहीं इनका किचन काफी प्यारा है, जिसमें रंग बिरंगे डिश कप और कटलरी सेट है। पर अगर बात करें इनके बेडरूम के बारे में, तो इनका बेडरूम काफी खूबसूरत है, जिसके बाहर से हमेशा शानदार हवा और ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको बालिका वधु के किस स्टार का घर सबसे खूबसूरत और आलीशान लगता है? आप उस स्टार का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।